हेलो एवरीवन, सो ये है आपका वीकली हॉरोस्कोप या आप साप्ताहिक राशिफल इसे कह सकते हैं फॉर दी अपकमिंग वीक कैसा रहेगा आपके लिए। सबसे पहली चीज़ मैं कहना चाहूँगी, बहुत लोग पूछते हैं कि नो कि आप किस अकॉर्डिंगली इस वीडियो को देख सकते हैं। सो आप इसे एज़ पर सन साइन, एज़ पर आपकी नाम की राशि के हिसाब से, या एज़ पर आप इसे अपने जोडियक साइन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं, आप बस उसी हिसाब से देखें, टैरो कार्ड्स वैसे ही काम करते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल पर न्यू है सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक द चैनल, ऑल्सो हिट द बेल आइकन, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियोस पोस्ट करूँ आपको तुरंत उसकी नोटिफिकेशन आ सके। एंड ऑल्सो अगर आप डेली टैरो रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, जहाँ पर मैं डेली वीडियोस, रील्स, टिप्स, वास्तु टिप्स, टैरो रीडिंग पोस्ट करती रहती हूँ। सो ज़रूर आप अगर वैसे देखना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स अवेलेबल हैं। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन, हर एक जोडियक साइन के बारे में क्या कहते हैं कार्ड्स। हेलो पाइसेस, रीडिंग आपके लिए है फॉर दिस अपकमिंग वीक। सबसे पहली चीज़ कि नो एज़ पर करियर एस्पेक्ट आपका ये वीक कैसा रहेगा। सो यहाँ पे आपके लिए कार्ड आए हैं द चैरियट के कार्ड्स हैं। काफ़ी ब्यूटीफुल कार्ड है ये, कार्ड ऑफ सक्सेस है, प्रमोशन है, ट्रैवल है एंड समथिंग अबाउट गुड न्यूज़ भी है। यू नो ये कार्ड ऑफकोर्स सारी की सारी सक्सेसफुल सिचुएशंस इंडिकेट करता है, बट साथ ही साथ में कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है कि आप कुछ चीज़ों को लेके कंफ्यूज्ड भी हो सकते हैं इस वीक में अपने करियर में, कि भैया मैं अपनी लाइफ में क्या करूँ, कौन सा डिसीजन लूँ, अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है तो क्या लूँ, करंट जॉब में रहूँ या जॉब चेंज करूँ। तो इस तरीके की कई बार कन्फ्यूजन भी आके सामने खड़ी हो जाती हैं। बट एनीवेज जो भी डिसीजन आप चूज़ करते हो वो आपके अच्छे के लिए ही होता है ना, ऑटोमेटिकली आप राइट डिसीजन चूज़ करते हैं। ये वीक में आपकी विल पावर, आपकी एनर्जी, आपका काम करने का यू नो मन काफ़ी पॉजिटिव रहेगा, काफ़ी डिसिप्लिन में रहेंगे, काफ़ी एम्बिशियस रहेंगे। सो ऑफकोर्स ये कार्ड बहुत ही शुभ और पॉजिटिव कार्ड है आपके करियर को लेकर। सो जो भी चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं ये वीक में, डेफिनेटली आप उसको टारगेट एंड अचीव ज़रूर कर सकते हैं। सो आई सी करियर वाइज ये वीक आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव होता हुआ दिख रहा है पाइसेस। वहीं अगर हम आगे बढ़ते हैं आपकी लव लाइफ की ओर, सो आपकी लव लाइफ के लिए काफ़ी पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं अगेन दैट टॉक्स अबाउट यू नो द मैनिफेस्टेशन। ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में ज़रूर जो भी आप पर्सन को चाहते हो, पसंद करते हो, या यू नो रिलेशनशिप में कोई अगर प्रॉब्लम्स है तो आप वो पॉजिटिव आउटलुक, पॉजिटिव एटीट्यूड मैनिफेस्ट करें कि देखो भाई चीज़ें जो भी हैं अच्छी होंगी। मैं कहूँगी प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशंस करें, ये ना सोचें कि नो अगर पर्सन ने आपसे वन ईयर से टू ईयर से बात नहीं की है एंड आप स्टिल उसी में लिंगर ऑन इट, देन आपके लिए मैनिफेस्टेशन बन जाएगा फॉर समथिंग न्यू पर्सन, बिकॉज ये एक बहुत ही न्यू एनर्जी और पॉजिटिव मैनिफेस्टेशन की बात कर रहा है। बिकॉज ये कार्ड नंबर वन है, इट इज़ अ वेरी पावरफुल कार्ड। एंड ये ऐसा कार्ड नहीं है जहाँ पे पर्सन यू नो एक पास्ट में अटका हुआ है एंड उसी लूप में है, नहीं। ये कार्ड ऐसा है कि उसको पता है, उसको प्रैक्टिकली लाइफ में वो क्या अचीव कर सकता है, क्या वो चाहता है, क्या सिचुएशंस हैं, वो कैसे उसको टारगेट करेगा। सो उसको प्रैक्टिकल सिचुएशन भी पता है, उसको अपनी स्ट्रेंथ भी पता है एंड उसको वो डीप फीलिंग है कि भाई यही मेरा पर्सन है जिससे मैं अपना जीवन बिताना चाहता हूँ। सो इसीलिए उसके लिए इतना मैनिफेस्टेशन प्रेयर्स एंड एफर्ट्स कर रहा है। सो ऑफकोर्स ये वीक में अपने अपनी लव लाइफ को लेकर पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, अच्छी सोच रखनी है, एफ़र्ट्स लेने हैं, सब कुछ करना है, तो और ओपन भी रहना है न्यू प्रपोजल्स के लिए अगर आप यू नो सिंगल और शादी के लिए देख रहे हैं। सो एक वो रखें कि यार नहीं मेरा पास्ट में अगर प्रॉब्लम्स हुई तो इसका मतलब ये नहीं आगे भी प्रॉब्लम्स होंगे। तो लव लाइफ में अगेन इट्स अ वेरी बूस्टिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जीज मुझे आपके लिए दिख रही हैं, जहाँ पे ना बहुत अच्छे एफर्ट्स ले सकते हैं अपनी लव लाइफ में टू इम्प्रूव इट, एंड वो कहीं ना कहीं उम्मीद एंड फेथ बनाए रखने के लिए आपसे कह रहे हैं। आगे मैं अगर बात करती हूँ आपके लिए डिवाइन गाइडेंस कार्ड क्या है, सो डिवाइन गाइडेंस कार्ड है, इट्स अ ब्यूटिफुल कार्ड वंस अगेन। ये कार्ड का नाम है फेथ। सीधा सीधा आपसे कहा जा रहा है कि नो आप फेथ रखें, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें, उम्मीद अपनी पूरी तरीके से बनाए रखें, एक बहुत ही ब्लेसिंग वाली एनर्जी रखें कि नहीं ऊपर वाला परमात्मा मेरे साथ है, मुझे गाइडेंस देगा, मुझे रास्ता देगा, जो मेरे लिए अच्छा है वो मेरे साथ होगा, इस तरीके का एटीट्यूड। एंड ऑल्सो यहाँ पे सीधा सीधा लिखा है कि बिलीव कि यू आर नॉट अलोन, कभी भी याद रखें कि आप अकेले नहीं हैं, कुदरत डिवाइन इनको पता होता है आपके साथ क्या हो रहा है, ये ज़रूर आपको उसी प्रकार से गाइडेंस और यू नो डिवाइन हेल्प ज़रूर टाइम पर पहुँचाते हैं। एक और चीज़ यहाँ पे लिखे नो स्पिरिट इज़ राइट बिसाइड यू, आस्क फॉर गाइडेंस एंड इट विल कम। यहाँ पे नो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप प्रेयर्स कर रहे हो, आप एफर्ट ले रहे हो, और यहाँ पे आपके लिए कार्ड्स आ रहे हैं कि और ये मैसेज दे रहे हैं डिवाइन कार्ड्स आपको
कि स्पिरिट गाइड्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ में हैं, जो चीज़ की आप प्रार्थना कर रहे हो फेथ रखो आपको मिलेगी। सो नो इट्स अ वेरी इंटरकनेक्टिंग कार्ड्स, तो ये सारी की सारी चीज़ें, और यहाँ पर मुझे आपके एनर्जीज भी काफ़ी पॉजिटिव दिख रही हैं। सो ऑफ कोर्स अगर हम सारी की सारी कार्ड्स की एनर्जीज को करें देखें तो ज़रूर आपके लिए दिख रहा है पाइसेस कि आपको ये वीक में ऑफ कोर्स अपनी फेथ हाई रखनी है, अपना भरोसा ज़्यादा आपने करना है कि यार जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, देखने मिलेगा। सो पॉजिटिव एटीट्यूड रखने के लिए आपसे कहा जा रहा है फॉर दिस वीक। सो आई सी रियली गुड एंड पॉजिटिव कार्ड फॉर करियर ऑल्सो, फॉर लव लाइफ ऑल्सो। एंड वही है कि आपने इस वीक, और मुझे वैसे भी आपकी एनर्जी वीक में पाइसेस अच्छी लग रही है, आप ये वीक में मेरे को बहुत ही ज़्यादा सिर्फ कन्फ्यूजन वाला एंगल हो सकता है, यू माइट गेट कन्फ्यूज अबाउट समथिंग, बट उसके अलावा कार्ड्स की एकदम ऐसा है कि नो एकदम फ्लो में आप रहें, जो ऊपर वाला करा रहा है वो आप करें, मेहनत करो, एफर्ट करो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, ये आपके लिए कहा जा रहा है। दिस इज़ व्हाट आई सी फॉर यू पाइसेस। अगर आप इससे कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं देन डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। थैंक यू सो मच।